अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिहाद में आप सभी का शायद मतलब है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेलगाम शहर तीसरे नंबर पर है जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, लेकिन कई सारे जो क्वारंटाइन किए गए हैं उन्हें रिहा किया जा रहा है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। लिहाजा आज बेलगाम शहर से 109 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनको पूछना चाहते हैं कि दरमियान क्वारंटाइन उनके साथ क्या मामला पेश है, बताएँ। माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी खिदमत की है, हमारे बेलगाम की खिदमत की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की है। और खाने के एतबार से और हमारा रमज़ान का महीना भी था, रमज़ान के एतबार से इफ्तारी के लिए भी हमारे मोहल्ले के डॉक्टर ने बहुत अच्छी खिदमत की है, और शहरी के लिए भी खाना इंतजाम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की है। सब हमारे को खाना कैसा है और कैसा चल रहा है सब बात करते थे, सुनते थे, और हमारे को अगर कुछ कमी रहेगा तो हमारे को मतलब बोलो बोल के हमारे को एनर्जी देते थे, और उनको भी हमारे से इसके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सब लोगों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 109 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया, और ये खुशी की लहर है, खुशी की बात है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जितने भी डिस्चार्ज किए गए उनके चेहरों पर खुशी छलक रही है, लेकिन इस खुशी को फिर उसको मीठा करने के लिए नंदिनी मिल्क और पेड़ा, जो उनके मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं जयप्रकाश साहब, तो उन्होंने भी जो है तमाम मरीजों को, तमाम जितने भी डिस्चार्ज हुए अफरादों को मिठाई तकसीम की। सर, आपने जो मिठाई तकसीम की वाकई काबिल तारीफ और काबिल तवज्जो है, आप इसके बारे में। ನಯ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಏನು ಒಂದು ವೈರಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ KMF ವತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪೇಡೆ ಹಂಚಿ ಸಿಹಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು 109 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ KMF ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನಮ್ಮ KMF ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫಜಲ್ ಸೆ ಹಮೆ ಜೊ ಯಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೇ ರಖಾ ಗಯಾ ತಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ರಖೆ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಖಿಯಾಲ್ ಕಿಯೆ और यहाँ के हुक्मरान जितने भी है, DC साहब हैं और कॉरपोरेशन वाले हैं, बूढ़ा वाले हैं, रेवन्यू वाले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने अच्छी खिदमत की, अच्छी देखभाल की। अंदर अपना फैसिलिटी बहुत अच्छी देते हैं, रहने पीने भी, टाइम पर खाना भी आ रहा था, सब हो रहा था। 25 दिन करेगा ना, और हमारा जो है 33 दिन हुआ क्वारंटाइन भी यहाँ पर, और उसके बाद से डॉक्टर वगैरह भी डेली चेकअप को आते थे और सब अच्छा हुआ माशाल्लाह। मेडिकल वालों की जो सर्विस बहुत अच्छी रही, और हमारे जो माशाल्लाह मोहल्ले वाले, मस्जिद वाले, कमेटी वाले, अंजुमन है, वक्फ बोर्ड है, जमीयत है, और मोहल्ले की जितनी अंक कमेटी है, अल्लाह ने बहुत अच्छे से उनका कोऑपरेशन दिया हमको, और हमें बहुत अच्छे रहे। अभी तक बेलगाम में आज के दिन पे 416 लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में हैं, तो उसमें से 109 लोगों का जिनका टेस्ट रिपोर्ट अभी जिनका नेगेटिव आया है और जिनकी हेल्थ अच्छी है उनको उनके घर को भेज रहे हैं, और इनको अगले 14 दिन तक उनके घर में होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देके भेज रहे हैं, और अगले 14 दिन के लिए रोज़ उनकी घर पे विजिट होगी, हमारे हेल्थ वर्कर्स जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे, उनको विजिट करेंगे, और कुछ उनको सिम्टम्स कुछ भी आया तो उनको इमीडिएटली फिर चेकअप के लिए लिया जाएगा, और उनसे विनती की गई है और उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि वो अगले 14 दिन तक घर से बाहर ना निकले। सर, आज 109 छोड़े हैं, टोटल अब तक कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया? टोटल अभी तक तकरीबन 210 लोगों तक हमने डिस्चार्ज किया है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से। आइसोलेशन में कितने हैं सर? ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता है, जो आइसोलेशन है ना, BIMS हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा कोरोना हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 72 पॉजिटिव पेशेंट्स लोगों को वहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, उसमें से भी अभी तक 10 लोगों को, जो जिनकी तबीयत सुधर गई है और जो ट्रीटमेंट कामयाब हुआ है, उन लोगों को भी छोड़ रहे हैं। थैंक यू सर। कोविड-19 बेलगाम में शुरू होकर 1 महीना हो गए, अब पहली बार हमें हरिया भगवाड़ी, बेलगुंदी और चाम का 3 पॉजिटिव आए थे। आने के बाद बेलगम के सब लोग घबरा गए थे, उसका साथ कौन कौन थे सबको हम क्वारंटाइन रख के 30 दिन के बाद उसका 2 बार तपास करने के बाद खुशी का बात है, किसी और पॉजिटिव को नहीं आया, इसलिए वो डिसीज वही है, स्प्रेड नहीं हो बोल के, ये बेलगम लोगों के लिए खुशखबरी है। हमारे जो क्वारंटाइन में थे वो लोग आज 109 लोग आज डिस्चार्ज हो गए हैं। मैं सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग अपने अपने घरों में जाकर भी अभी भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो रमज़ान है वो इबादतों में और अपने
दुआओं में, और बाकी जो ये बीमारी है वो बीमारी के लिए खास कर ये दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क से निकल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कोरोना वायरस समझिए कि एक वायरस ही है, इसे हम हल्के में ना लें, क्योंकि और देशों के मुकाबले में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मजबूती है, और हम बिल्कुल जो है इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये बीमारी एक वबाल जान है। आज 109 जो लॉज में थे, जिसमें हीरे बागेवाड़ी के 54, यलूर के 12, क्याम बेलगाम सिटी के 16, बेलगुंडी के 6, कुर्ची रायबाग तालुके के 5, हुक्केरी तालुके के 4, बैलहुंगल के 2, शिरगुपी के 1 और रामदुर के 1, आज़ाद नगर के 2, वीरभद्र नगर के 2, रेणुका नगर बेलगाम सिटी के 1, सामरा बेलगाम सिटी के 1, खंजर गली बेलगाम के